निकले अगर आपको इजाजत है हुकूमत की तरफ से, और उस निकले तो प्रॉपर एसओपीस फॉलो करें, मास्क पहने और जो बुजुर्ग हैं और जिनकी और अमराज जिनको है वो बहुत खास एहतियात करें। ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो रीकैप, हम जो एसओपीस जो रिजीम फेडरल गवर्नमेंट ने कही है हम 100% उस पर अमल कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे आगे भी करेंगे। ये एक कलेक्टिव फैसला है, इतराजात जैसे मैंने कहा मुझे हो सकते हैं लेकिन कलेक्टिव फैसला हो जाए उसके बाद इतराज खत्म। यही जमहूरियत है, यही गवर्नेंस का तरीका है। मीडिया के दोस्तों से, मीडिया के चैनल से, अखबार से जो कॉलम्स लिखते हैं, जो सोशल मीडिया वाले हमसे, एक अर्ज, ये कोई आपस में जंग नहीं है। हम सब मिल के इस वबा से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई पीपल्स पार्टी और पीटीआई और पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा या सिंध पंजाब पंजाब केपीके की जंग नहीं है। ये हम सब ने साथ मिलके ये जो आजमाइश है उसका मुकाबला करना है, उस आजमाइश में कामयाब होना है। आप लोग भी इसी नैरेटिव को अगर लेके आगे चलेंगे, और ये मैं इतना शुक्रगुजार हूं मीडिया का कि पहले तकरीबन 1.5 महीने तो बिल्कुल ये नैरेटिव बहुत अच्छी तरीके से चला और इससे फायदा होगा। आप जो मीडिया ने रोल प्ले किया है ना, मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करेंगे, आपका रोल सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। जो आप लोगों ने जिस तरीके से किया है, लेकिन आगे भी यही करना है। मैं कह रहा हूं कि किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज वही रखें। मैं गलती करूं मुझे बताएं, कोई ऐसी बात नहीं, गलतियां करूंगा। मैं तो कह रहा हूं गलतियां तो हरेक से होगी, आप बताएं ताकि हम उनको दुरुस्त करें। लेकिन एक पॉजिटिव स्टेप को, एक नेक नियति से किए हुए काम को जब आप उसको मजाक खेल अंदाज में रिडिक्यूल करते हैं अच्छा नहीं लगता। आपके साथ कोई ऐसे करे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। एक कौमी फरीजा है हम सबका, ये थोड़ी कि मैं हुकूमत में हूं इस वक्त चीफ मिनिस्टर हूं तो मेरा फर्ज है, हर एक का फर्ज है। और इससे लड़ने के लिए, लड़ना तो गलत मैंने फिर लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, इस वबा से निजात हासिल करने के लिए हम सब ने काम करने, और सबसे बड़ा इलाज तो मेरे पास खुद है। कोई इलाज हम करें इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। बस ये बातें थी नासिर जी साहब, अगर आप किसी तरीके से नाराज ना हो दोस्त मेरे। माइक है कौन है? ये कैसे दिखाते हैं कि भाई सब नासिर साहब बोल रहा हूँ। डेली वेजेस के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्या वो अगर आप अपने तौर पर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं ना, और उसके बाद फिर डेटा एक्सेस की देखें, ऐसे भी हो सकता है ना कि मैं फॉर एग्जांपल आप डेली वेजर हैं, आपसे मैं कहूँ आप मुझे बता दें, अगर मैं एक या दो या तीन दिन में आपको जवाब ना दे सकूँ तो आप तो कहेंगे मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, पता नहीं क्या आपने किया। जब तक डेटा नहीं होगा मेरे पास या डेटा की एक्सेस नहीं होगी कि आप बाकी दिल्ली भेज ऑनर हैं क्या, जितनी आप यहीं से तनख्वाह ले रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं, इसलिए कि आपको पसंद नहीं है। जी मेरा क्वेश्चन आपने मैं सुन नहीं सके, मेरा पॉइंट ये था कि आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी और नेशनल लेवल पे होनी चाहिए थी, दिस वर्क यू सेड। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये एक्सरसाइज आप डेटा का इनको रजिस्ट्रेशन करने की एक आप हेल्पलाइन बना के लोगों को कह सकते थे, और वो सारा का सारा डेटा अपने पास वो एक्सरसाइज करके
नहीं, मैं सवाल आपका समझ गया था, मैंने जवाब शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका। मैं कह रहा हूँ कि हमने तो शुरू किया था, एक नंबर भी दिया था हमने सब कुछ, वो क्या था प्रोसीजर, और हमने फेडरल गवर्नमेंट से बात की थी। फॉर एग्जाम्पल नासिर शाह साहब फोन करते हैं कि जी मुझे, मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ, मैं डेली वेज वर्कर हूँ और मुझे तकलीफ है, उसको इमीडिएटली मैंने चेक करना है कि भाई मुझे पता चलेगा जब मैं चेक में डालूंगा कि जी नासिर शाह साहब तो वजीर है सूबाई हुकूमत, ये नहीं क्वालिफाई करते, और 24 से 36 घंटे के अंदर मैं इनको जवाब दे दूं 48 घंटे के अंदर कि आप नहीं क्वालिफाई करते, और अगर मैं 10 दिन बाद भी, और ये अगर क्वालिफाई करते हैं और 10 दिन में जवाब नहीं दूं तो जो बात होगी कि ये हुकूमत, जब तक वो सिस्टम पूरा कंप्लीट ना हो कैसे मैं एक चीज की शुरू करूँ। सर, इस वक्त जो आपने जिस तरह सूरत हाल बताई और जो हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग किट्स जाती बात है वो एक जो बुनियादी चीज है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इस वक्त हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, इन फ्यूचर अगर हम मास टेस्टिंग शुरू करें तो क्या क्या मसाइल और क्या वसाइल दरकार। देखिए मैंने जैसे बताया हमारे पास 5600 की कैपेसिटी बताई थी और बढ़ रही है, इंशाल्लाह हफ्ते एक में हम इसको 7000 तो कर ही लेंगे, कर रहे हैं इसको बढ़ा रहे हैं। इस वक्त टेस्टिंग किट्स हमारे पास मौजूद हैं, जब शॉर्टेज हो जाती है, टेस्टिंग किट्स में चार डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, स्वॉप्स हैं, वीटीएम है, फिर एक्सट्रैक्शन किट्स हैं, ऑटोमेटिक, और चौथी आपकी एम्प्लीफिकेशन। होता यह है कि दुनिया भर में इनकी जो शॉर्टेज है ना या डिमांड है, कभी एक चीज मिलती है, अगर एक भी चीज मिसिंग है तो आपका स्लो डाउन हो जाती है टेस्टिंग, तो ये एक चलता रहेगा। हाँ एक चीज आपने बड़ा अच्छा सवाल जो चीज मेरे से रहेगी, मैंने फेडरल गवर्नमेंट से बात की थी जो रहेगी, कि हमने अपना जो भी सिनेरियो है, जो भी रिजीम है, ये लॉकडाउन खोलने बंद करने की, इसको अपने हेल्थ फैसिलिटीज से सामने रखते हुए करना है। कल को अगर हालात खराब होते हैं तो हमने वापस कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी होगी, और हमने फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि हमारी मदद करें कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर हो। मसला ये है कि जब हमने बात की मदद करने की तो शुरू हो गए, एक रुपया नहीं देंगे आपको, रुपया कौन मांग रहा था उनसे। मैंने ये कि अभी दोबारा कहा है कि हमें वेंटिलेटर्स की सख्त जरूरत है। हम दो इनिशिएटिव्स लिए हैं, हमने एक इनिशिएटिव लिया और एक इंटरम है। इनिशिएटिव क्या लिया, हमारे पास दीपा पे एक अस्पताल मौजूद है, उसको हम इंफेक्शियस डिजीज का अस्पताल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें टोटल उसको कोशिश हमारी है कि 400 beds, हाँ अभी टोटल 400 बेड्स जिसमें 100 वेंटिलेटर्स हों, हम एक जगह पे विद इन 3 months तैयार करें, और हम पूरे श्योर हम करेंगे। हमें इधर थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर्स पैसे भी दे रहे हैं तो मिल नहीं रहे, तो फेडरल गवर्नमेंट से ही कल मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमारी मदद करें। जब हम कहते हैं मदद करें हमारी, वो ये होती है हमें वेंटिलेटर्स देखे थे, उन्होंने कहा है कल कि हम कोशिश करेंगे और हम लेंगे, तो ये बातचीत चल रही है, तो ये मदद होती है। और क्या बात है कि ये कह देना कि एक रुपए की मदद नहीं करेंगे, बड़ी मुझे तो अफसोस ही होता है ऐसी बातों में, लेकिन सियासी बात नहीं करता इससे ज्यादा। जल्दी फेडरल गवर्नमेंट ने
अच्छा, सबसे पहले तो हॉस्पिटल फैसिलिटीज मैंने इसका जिक्र ही किया कि स्ट्रेस में अंदर आएंगी, इसीलिए हमने क्यों किया। लेकिन इस वक्त 527 लोग हैं डिफरेंट अस्पतालों में, और ये अगर बढ़ेंगे तो इसकी प्रॉब्लम आएगा। हमारे पास एक लिमिट है, इसी वजह से हम बढ़ा रहे हैं कि क्रिटिकल केयर फैसिलिटी बढ़ाएं। हमारी पहली ऑप्शन यही होगी कि हम घरों में लोगों को आइसोलेट करें, जो पॉजिटिव आते हैं इनको सिर्फ मेडिकल केयर की जरूरत है उनको लाएं। और ये हमने पहले भी कहा था, बीच में थोड़ा सा जो है इस तरीके से भाभी, ये कल HCC में भी ये गाइडलाइंस दी गई और हमने उन्हें बताया कि वो ऑलरेडी ये कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर करना, और स्ट्रेस में ये इस वक्त भी है थोड़ी बहुत, और ज्यादा आएंगी। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, और हम करेंगे। यहाँ तक पैसों की बात है यार, इस वक्त मुझे वेंटिलेटर दे दो, पैसे आपसे लेते रहेंगे वो इंशाल्लाह। केस में ज्यादा उस पर भी नहीं बोलना चाहता, इसे भी वो कहते रुपए मांग रहे हैं। जो विफाकी हुकूमत ने लोगों को अलाउ किया लॉकडाउन उठाने के सिलसिले में, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो आपने सहूलतें दी है पिट्टे करे की शाम 5 से रात 6 तक, तो वो चलती रहेगी, खत्म हो जाएगी। नहीं देखिए, मेरी बात सुने आप, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। पीर से नहीं, पहली अप्रैल से जो भी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें टेक अवे वगैरह उसमें शामिल है। ये सारी जो ये जो एडिशनल हमने बातें की है, जो अभी आज मैंने बताई ना, इससे पहले जो भी चीजें चल रही थी वो चलती रहेंगी। और ये हमने नहीं की, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मशावरत में चारों सूबों में यही SOPs है। हम 100% अभी मुझे पता चला है कि इस वक्त भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सिंध हुकूमत के खिलाफ। मैं फिर से आपको बताता हूं कि यार मेरे खिलाफ ना करो, फिर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करो, इससे कि ये सारी चीज जो है, मैं किसी को इंसाइट नहीं कर रहा, प्रेस कोई किसी के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, साथ मिलकर काम करो। लेकिन ये वही रिजीम, तो मैं तो आपका जवाब यही कि जो पहले चल रहा है वो ऑलरेडी उन्हीं SOPs के तहत है और उसी गाइडलाइन के तहत है जो वफाक के साथ चारों सूबे और एक एजेंट और गिलगित पाकिस्तान की एग्रीमेंट है या SOPs है, और आगे भी यही होगा, मंडे से वैसे ही होगा। हिन वक्त इस वक्त जो है सबसे ज्यादा खतरा क्या वो है कोरोना से, नंबर वन। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी इस वक्त। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए मुझे नहीं पता किसने क्या कहा है, NFC ने चेंज आनी है फॉर बेटरमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। NFC मैं क्लियर कर दूं, 18वीं तरमीम जब आई थी उसमें हमें काफी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी सूबों को। NFC उससे पहले आई हुई थी, तो हम तो कह रहे हैं कि हमें फॉर एग्जाम्पल जो अस्पताल हमें दिए गए थे, हमने बगैर कोई रिसोर्सेस के उन अस्पतालों को संभाला और बहुत बेहतर किया। अब तो हमें रिसोर्सेस भी दो उन अस्पतालों को, और बाकी चीजें जो हमें जो डिवॉल्व की गई है NFC, तो उससे पहले की फैसला किया हुआ है, तो NFC तो बिल्कुल चेंज होगा। हमने तो दिया हुआ है कि सेल्स टैक्स और गुड्स भी आपको प्रोविंशलाइज करना चाहिए, हमारे कई वही सारे सिफारिश। बाकी इस वक्त मैं फिर से कह रहा हूं कि यार इन चीजों, ये तो डाइवर्ट करने की बातें है ना, इस वक्त सिर्फ मैं कोऑपरेशन चाहता हूं हर एक से फॉर एड्रेसिंग दिस इशू ऑफ कोरोना। साहब,
सर ये जानते हैं और ये समझते हुए भी कि अब हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं, वफाकी हुकूमत के फैसलों पर आप जो है ना वो आ डाल रहे हैं, अब पता नहीं दिल पर पत्थर रख रहे हैं या कुछ प्रेशर है क्या? सर ये बता दें, अगर कल को सूरत हाल इटली या अमेरिका जैसी हो गई, उसके जिम्मेदार फिर वफाकी हुकूमत होगी या सूबाई हुकूमत होगी? मेरी बात सुने, मैंने आप किसी को जिम्मेदार, मैं तो मैंने कहा क्या कि पहले दिन से हम कह रहे हैं कि एक नैरेटिव के साथ, अगर मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अकरम, अगर मैं अपने घर में कोई गलत काम यानी वायलेशन करूं तो उसका आपको भी अफेक्ट आएगा, एक घर से दूसरे घर पे आएगा, एक सुबह जो करेगा उसको दूसरे सुबह से अफेक्ट होगा, इसलिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। सेकेंडली, ये पूरे सिनेरियो में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आपने देखा है, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हर एक को लेनी होगी जो भी इसका नतीजा निकलेगा। हाईलाइट करना, बताना खतरा, वो हमने अच्छी तरीके से किया है। हम इसीलिए कहेंगे कि हम सिर्फ एक चीज करेंगे कि जो SOPs बनती हैं, कोशिश ये होगी कि उस पर सख्ती से अमल हो और उसमें हम सबकी कोऑपरेशन चाहिए। अजय शाह साहब, आपसे ये सवाल है कि डेली वेजेस के मामले पर आप अभी तक वफाकी लिस्ट मांग रहे हैं, आपके पास खुद का महकमा लेबर भी है, उसके पास भी नहीं, आप उसमें ये नहीं होती। देखिए आप समझे, मैं बता दूं आपको, नहीं है लिस्ट किसी के पास भी, होती तो कोई मसला ही नहीं था ना, ऐसे नहीं होता। लिस्ट क्रिएट करनी है, लिस्ट क्रिएट कैसे करनी है, डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भाई साहब, मैंने फिर से बताऊं, आप अगर मुझे अप्लाई करें, मैं आपको रन करूंगा तो मुझे कोई ना कोई आपके बारे में डिटेल पता चल जाएगी, दादरा के डेटाबेस से, इनकम टैक्स के डेटाबेस से, पीटीसीएल के पीटीए के डेटाबेस से पता चल जाएगी कि जी ये क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है, इसलिए वो चाहिए। अदरवाइज होती तो फिर क्या जरूरत थी सारी तरह। मैं बहुत क्लियर करता हूँ, आप जिस आंख इसमें सवाल कर लो, नौमे अली के हवाले से भी बता दीजिएगा, इसी में मजालिस भी हो रहे हैं भाई जान। मैं सवाल आप कर नहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ। दूसरा ये कि कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी आगा से नहीं हूँ। कुछ कंफ्यूजन ये है कि कुछ लोग जारी SOP चला रहे हैं कि जी नौमे अली पर जुलूस होगा नहीं होगा, लोगों को जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और छोटा सा सवाल इसी के साथ, आपने एक बात की कि कुछ लोगों ने 12,000 नाम नहीं लिया आपने 12,000 का, कुछ लोगों ने ऐसी गैदरिंग्स की जिसमें लोगों को जमा किया और वो कितना, लेकिन वफाकी हुकूमत को तो इस पर फख्र है। वो जो वहाँ तो वो वफाकी हुकूमत को तो इस पर फख्र है। वफाकी हुकूमत जो कुछ करे, सबसे पहले तो आप जिस नजर से देखते हैं ना, पता चल जाए वो आपको ग्लास पूरा भरा, आधा भरा या आधा खाली, वेदर द ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, आपने सुना होगा कि आदमी की नजर के ऊपर होता है, ठीक है। आज हर मस्जिद में वही प्रोटोकॉल था जो पिछले जुमे को था। मैंने एडिशनल IG कराची से स्पेशली बात की थी और कहीं पे भी हमने दो जो जमाते हैं वो नहीं है, कई जगह पे निमन मस्जिद में भी ऐसी कोई चीज नहीं थी, वो ना हाफ फुल और हाफ एम्प्टी की बात है, वो आप देखें। नंबर वन, दूसरा सवाल क्या था? हाँ, मैं ये जरा अगर वो आधा घंटा रुक जाए, हाँ मैं आ रहा हूँ। 19 slide number 19 आगे सामने है सबके, इसमें नीचे से दूसरा जो है पब्लिक गैदरिंग्स, पब्लिक प्रोसेशंस, गैदरिंग्स, कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ ऑल नेचर, ये बंद की हुई है फेडरल गवर्नमेंट ने। जो मेरा आप थोड़ी देर था ना कि मुझे क्रिमिनल लगी जो चीज, इसलिए ये वायलेट हुई,
अगर बुला के पब्लिक गैदरिंग की जाए तो अपने एसओपी की वायलेशन है कि नहीं है? ऊपर क्या लिखा है? ऊपर अगर पढ़े, सेक्टर्स दैट वुड कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज्ड, यानी पहले भी बंद थे आगे भी बंद रहे, और उसमें लिखा है पब्लिक प्रोसेशंस गैदरिंग कॉन्ग्रीगेशंस, कॉन्ग्रीगेशंस का मतलब पता है जो लोग इकट्ठे होते हैं ऑफ ऑल नेचर, इसीलिए मैंने कहा वो क्रिमिनल था, एसओपी की मुखालफत थी। मतलब अगर खुद मैं क्या करूं इस चीज पे, खुद ही अगर फेडरल गवर्नमेंट करती है ये, तो कोई फखर की बात नहीं थी लोगों को जमा करने के लिए। मेरा ख्याल है उनको भी फखर नहीं था इस चीज पे, ये आपके जहन काम कर रहे हैं, तो कोई फखर नहीं था। अब वो समझे कि शायद तरीका यही है पैसे देने का लोगों को, मेरे ख्याल में नहीं है, मैं ये डिफर करता हूँ इस चीज पे। बाकी ये एसओपी के अंदर मौजूद है कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड, बाकी कंफ्यूजन अगर क्रिएट करनी है तो मैं उन्हीं दोस्तों से कहूंगा, फिर आपसे मदद हासिल करूंगा कि आप लोग ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। शाह साहब बात ये है कि आप मीडिया पे नाराज हो रहे हैं। नहीं हुआ, नहीं अभी मेरे एक सेकंड नहीं हुआ सर, आपके दो मिनिस्टर का नाम है मेरे भाई, एक सेकंड मैं हंस हंस के बात कर रहा हूँ, मेरी गलत बात नहीं है, घर में क्यों नाराज हूँ कि आपने आज बात करी, मीडिया इस तरह पेश कर रहा है, इस तरह पेश नहीं कर रहे, आपकी 12 साल से हुकूमत है, आपसे ही सवाल किया जाएगा, अगर बच्चे को कुत्ते काट रहे हैं तो कुत्तों के बारे में आपसे ही पूछा जाएगा। बिल्कुल हाजिर हूं कि आप उसका जवाब दें, आप हम पे नाराजगी का इजहार करके या किसी मीडिया को कह के जब सवाल करते हैं तो तल्खी आ जाती है। शाह साहब सवाल करने का हक तो आप समझते हैं, तल्खी ना करें, आपको अच्छा सवाल कर लें, कोई सवाल है जी? सवाल ये है कि मतलब ये कि आवारा कुत्ते काट रहे हैं, आप 12 साल में उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर पा रहे, क्या वजह? ये इशू है और ये पूरे पाकिस्तान में है। आज सुबह मैंने एक और सूबे के बारे में भी एक खबर एक चैनल पे सुनी थी कि उस सूबे में कुत्तों के काटने की ज्यादा हो गई है, तादाद ज्यादा हो गई, मैं नहीं नाम लेना चाहता। अगेन आप कहें सवाल करें, लेकिन अगर एक प्लान्ड प्रोग्राम्ड कोई चीज करेंगे तो उसका पता सबको चल जाता है, और चल जाता है तो दिन हर वक्त एक तरीके के नहीं रहते, यही लोग जो है फिर बस उन्हें ज्यादा नहीं कहता। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपको कुछ सिफारिशें की वजह से तीन जैसे जो तरीकाकार है वो दुरुस्त नहीं है, सिफारिश इसको नॉर्मल किया जा सकता है जैसे आम रूटीन हमने कर दिया, दैट हैज बीन नोटिफाइड राइट। क्या था? अच्छा वो आ गई थी अभी, मुझे मैंने तो कह दिया था कि इसको नोटिफाई कर दो। मैं ये सवाल है कि जो तदफीन के लिए पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि एक तरीकाकार, और मुझे सारा मैंने उनके साथ बैठ के वो किया है, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट की एसओपीज हैं उनसे वो बता रहे हैं मुझे कि कॉन्ट्रडिक्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट से करके वो कर देंगे। बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा इसमें हम अग्री करते हैं टोटली। सवाल ये है कि आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग होती है और मीटिंग में सारी चीजें डिस्कस होती होंगी, कोरोना के अलावा भी बताए गए खासतौर पर कि जो पूरी सूरत हाल है इसमें एक आवेदन भी आपने बनाया था, गवर्नर साहब ने उसके एतराज लगा कि शायद वापस किया है, तो कुछ सहूलियात को देने के लिए क्योंकि गवर्नर भी तो प्राइम मिनिस्टर के लगाए हुए हैं, आपने कोई प्राइम मिनिस्टर से बात की है या उसके अलावा कोई खासतौर पर इस वक्त जो राशन का जो मामला था आपका वो सही तरह से हैंडल नहीं हुआ, टेलीविजन से पता चला कि वो ऑर्डिनेंस वापस आ गए, मुझे नहीं पता था कि ऑर्डिनेंस गवर्नर साहब ने कुछ एतराज के साथ वापस किया है, और टीवी पे कल तकरीबन मैं टाइम एग्जैक्टली पता है 1:30 बजे मैंने ये देखा था पहली बार, मैंने उसी वक्त अपने ऑफिस में पता किया हमारे पास समरी वापस नहीं है कि लेटर इन द डे 4 बजे की बात एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, 2-3 घंटे बाद वो फाइल आ गई थी, उसको देखा है, उसमें हमें काबीना इससे कि काबीना एडवाइस करती है ऑर्डिनेंस के लिए जो कानून है, काबीना का एक या फिर क्लास बुलाना होगा या बाय सर्कुलेशन जो गवर्नर साहब के हैं उस पर रिजर्वेशन में नहीं डिस्कस करना चाहता, गवर्नर साहब का इस्तेहकाक है कि वो एक बार वापस कर सकते हैं, कोई भी एडवाइस जो दी जाती है
हमारे आर्टिकल 105 है तालिबान कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है कि जी अगर कोई चीफ मिनिस्टर को एडवाइस दे, यानी कैबिनेट या चीफ मिनिस्टर को एडवाइस दे गवर्नर को, तो गवर्नर साहब 15 दिन के अंदर उसको वापस भेज सकते हैं। अगर 15 दिन तो 10 दिन जरूर हो गए थे, जल्दी कर देते तो अच्छा होता। इसलिए कल शाम को अफ्तार से थोड़ा पहले मुझे वो मेल वापस मिली है। इंशाल्लाह कल मेरा इरादा है कि उस पे जो उनके इतराजात है उनको एड्रेस करके, मैं ये नहीं कह रहा कि सही है या गलत है, कोई ऐसी बात नहीं, उनका इस्तेहकाक है एतराज करने का, वापस करने का एक बात, और मैं उस जो उनके इतराजात है उनको कोशिश करूंगा एड्रेस करके कि वो कन्विंस हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि मैं मंडे तक दोबारा भेज दूंगा, लेटेस्ट मंडे तक भेज दूंगा गवर्नर साहब। इसलिए कि ये समरी में क्या था, इस ऑर्डिनेंस में क्या था, इस ऑर्डिनेंस में ये है कि किसी को आप नौकरी से नहीं निकाल सकते, इस ऑर्डिनेंस में ये है कि किराया के ऊपर थोड़ी सी रियायत दी गई थी, इस तरीके की चीज़ें थी जो लोगों की मदद के लिए थी, जिनको सख्त ज़रूरत है। इसको डिले करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है ज़्यादा। हमने तो कैबिनेट से पास करके उसी दिन भेज दिया था, गवर्नर साहब ने वापस भेजा है, जैसे मैं फिर कह रहा हूँ उनका इख्तियार है ये, और हमारा इख्तियार है कि हम दोबारा उसको रिव्यू करके उनको भेजेंगे। उसके बाद गवर्नर साहब के पास 10 दिन होते हैं, मैं रिक्वेस्ट उनसे कर भी दूंगा ऑफिशियली कि 10 दिन ना जो भी फैसला करना है मतलब वो उन्होंने एक्सेप्ट करना है, उसके बाद वो कर दे तो बेहतर है, जल्दी 10 दिन का इंतजार ना करें। उनका भी कुछ अनाउंस नहीं हुआ, और बहुत सारे साथ ही ऐसे हैं जो इस वक्त काफी मुश्किल का शिकार है, उनके लिए किसी किस्म का कोई जमानत तय नहीं हुआ। एक और मामला जो बहुत अच्छे से ताकीद का शिकार है, आपने उसको जमा किए थे, खासतौर पर जो कराची प्रेस क्लब में इमरान की मेंबरशिप का मामला था, उस पर आपने जवाब के मुशीर उस वक्त थे, उसका आप उनको जिम्मेदारी दी थी, वो मामला हल नहीं हो, क्योंकि जो लोग बाहर हैं कराची प्रेस क्लब से इसलिए वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट हैं, और उनको किसी किस्म की फैसिलिटेशन या किसी किस्म की ग्रांट या उनको एडजस्ट नहीं किया था। तो मैं इस सवाल से आपसे कह रहा हूँ कि क्यों अब तक आपके पास ये डेटा तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल था कि कौन साहबी कहाँ काम कर रहा है और उसको क्यों, उसको क्या तनख्वाह मिल रही है, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, क्या वो इदारे में से निकाल दिया गया है या नहीं निकाला गया तो है। आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की थी नासिर शाह साहब और मुर्तजा, इन दोनों से मैं अभी कह भी देता हूँ कि एक तो आपकी मेंबरशिप का भी, और अगर कोई साफी को जेन्युइन इश्यूज हैं बिल्कुल उसको एड्रेस करने के लिए मुझे एडवाइस करेंगे दोनों, और मैं कर दूंगा। और मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरे पास अगर किसी साफी की कोई फाइल आती है कभी कोई इलाज के सिलसिले में या कोई और इश्यूज होते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि उसमें एक मिनट की देर भी ना करूँ, और बिल्कुल ये कोई पेंडिंग चीज नहीं रहती है। लेकिन ये आपका है, इतनी सारी मामला में ये रह गया था, लेकिन ये आपका बिल्कुल जायज एक बात है। अच्छा, ये मुझे अभी पूछना ने कहा है, इसको प्लीज सही तरीके से पेश कीजिए। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि ये आपने देख लिया ना, आपने नोट भी कर लिया होगा, जो खुल रही है चीजें उनको उसी तरीके से पेश कीजिए। और ये मेरी नहीं है, ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हेड करते हैं, जिसमें चारों सूबाई वज़ीर-ए-आला, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर-ए-आला और आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, काफ़ी सीनियर वफाकी वज़रा, मिलिट्री के लोग, हेल्थ के एक्सपर्ट्स, ये सब मिलकर उन्होंने जो फैसला किया है, और उसमें ये 3 स्लाइड है सिर्फ, इनको जेन मशीन करके अगर मीडिया यही बताए कि ये चीज, ताकि कोई तलखी ना रहे कि पता नहीं वफाक ने खोल दिया है और हम नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई चीज ना पहले थी ना अब है। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। शाह साहब एक सवाल है, शाह साहब
बाबा करेंगे बाबा चलाना साहब सवाल है यो मु कोशिश कई है छकण जो यो सिंधी बैराड़ी में इशू को कराची शहर में छो इशू एक बड़ा मार्केट से मोहल्लन में नंढा नंढा दुकान आहिनि उहे त खुलंदा जेको स्टैंड अलोन चवनि था पर काफ़ी मार्केट्स बि आहिनि नंढियूं हाणे इहो तमामु मभम हिकिड़ो थियो आहे ॻाल्हि इन करे मूं शुरू में चयो मैंने शुरू में कहा था कि दो दिन हमारे पास है आज फ्राइडे संडे संडे में हम ये क्लैरिफाई करेंगे एग्जैक्टली इसलिए कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को हम एड्रेस करेंगे फेडरल गवर्नमेंट से मुशावरत में ताकि हम कोई ऐसी चीज़ ना खोले जो उन्होंने कहा ना बोलो और कोई ऐसी चीज बंद ना रखे जो उन्होंने कहा है कि खुलनी चाहिए ये फैसला पूरे पाकिस्तान में एक ही जो हमने कहा है और मैंने सारी एक्सप्लेनेशन भी दी इस तरीके से होना है दोस्तों आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये दो दिन में क्लियर होगा और ये मंडे को कल कुछ नहीं कल वही चीजें से सर्दे सर्दे तो वैसे बंद है ना तो ये बंद है मंडे से ये हम कोशिश करेंगे कल तक इसको क्लियर करना है एजुकेशन के लिए सही में मीटिंग्स कर रहे हैं और उन्होंने कुछ बात की भी है मेरा भी ये पर्सनल ख्याल है और सही नहीं है कि जो कि पहली जून से हम खोलने की पोजीशन में नहीं है जो है और जो सिनेरियो होगा वो सबके साथ मुशावरत से इंशाल्लाह करेंगे थैंक यू।